हेलो दोस्तों, फिलहाल अभी हम हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और आज हम यात्रा करने वाले हैं नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लखनऊ जंक्शन तक। आज हमारी जो यात्रा है वो नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लखनऊ स्टेशन तक है, जो कि डबल डेकर ट्रेन में होगी। ट्रेन नंबर 12584 आनंद विहार लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस, ये एसी एक्सप्रेस है और यहाँ से जो उसका डिपार्चर टाइम है वो लगभग 2 बजे का है और लखनऊ में जो उसका अराइवल होगा वो लगभग रात को 10:30 बजे का है। 480 किलोमीटर की दूरी आज हम टोटल इस सफ़र में तय करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। ये ट्रेन जो है आनंद विहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आज हम बोर्ड करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा टाइम है ट्रेन आने में। अभी तक जो इंडिया के अंदर जो ट्रेन चल रही हैं वो टोटल 60 ट्रेनें हैं एसी जो हैं डबल डेकर ट्रेन, जिसमें कि आज हमारी ये दूसरी है। पहली जो हमने की थी वो दिल्ली से जयपुर जो हमने की थी हाल फिलहाल में 1.5-2 महीना पहले हमने जो की थी वो थी, और आज हम यात्रा करेंगे दूसरी डबल डेकर में जो आनंद विहार से लखनऊ 480 किलोमीटर की दूरी जिसमें आज होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे एक सीरीज़ जिसमें कि हम लगभग जो दूरी तय करेंगे वो लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और 6,500 किलोमीटर की दूरी जिसमें कि लगभग हम 120 घंटे सिर्फ ट्रेन के अंदर रहेंगे और बाकी जो सफ़र रहेगा हमारा 14 स्टेट को हम कवर करेंगे। 14 स्टेट और लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी सीरीज़ जो शुरू करेंगे वो आज से शुरू होगी और लगभग ये 10 दिन तक बैक टू बैक आपको सीरीज़ मिलेगी। और अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो ट्रेन आ रही है मैं आपको दिखाऊँ, उसका अराइवल हो रहा है। ये डबल डेकर ट्रेन जो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अभी लगाई गई है, फिलहाल जो है इसका अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। अब इसी को 1 घंटे के बाद यहाँ से दोबारा तैयार करके भेजा जाएगा टूवर्ड्स लखनऊ की तरफ। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम पानी की बोतल। भाई पानी बोतल दे देना। लाल चलते हैं अभी हम अपने ट्रेन में, और मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का अंदर से इंटीरियर। ये स्लाइडिंग डोर, इसको स्लाइड करके ये लोअर डेक और ये अपर डेक, ये दो डेक हैं और इसमें कुछ सिटिंग एरिया यहाँ पर भी दिया गया है जो सीधा स्लाइड के पास में ही है। हर कोच का स्ट्रक्चर वैसे थोड़ा थोड़ा अलग है, कहीं 4 सीटें हैं, कहीं पर कुछ कोच कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं इसकी सीट की बात करूँ तो कुशन बहुत अच्छा है और कुछ कुछ सीट्स ऐसी हैं जैसे हम शताब्दी की बोलें, कुछ कुछ शताब्दी जैसा फीलिंग आता है इस सीट पर बैठकर। लेकिन थोड़ी सी इसकी विड्थ कम है इस सीट की कंपेयर टू शताब्दी, लेकिन अगर कंफर्ट की अगर बात करें तो थोड़ा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। इस कोच में जो सीटिंग दी गई है वो 3x2 में दी गई है और इसका कुशन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम है, कंफर्टेबल सीट है। और अगर इसकी ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल मैंने करंट में चेक किया था तो सीट जो है लगभग 800 से 850 करंट में अवेलेबल थी। तो सीट को लेके आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। लगभग आपको जब भी आप इसमें टिकट करेंगे 90% आपको इसमें 90-95% आपको इसमें सीट हमेशा कन्फर्म मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस ट्रेन के अंदर। और फिलहाल अभी हम हैं लोअर डेक में और लोअर डेक से जो बाहर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल इक्वल ये विंडो और ये हमारी सीट, चलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी टाइम है थोड़ा ट्रेन में चलने में, तो मैं आपको बताता हूँ अपनी सीरीज़ के बारे में। आज हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपको एपिसोड्स में पूरा सफ़र करवाऊँगा। हम लगभग 14 स्टेट्स को कवर करेंगे जिसमें हम लगभग 6,500 किलोमीटर कवर करेंगे, 6,500 किलोमीटर की दूरी हम इसमें कवर करेंगे, और जिसमें हमें टाइम लगने वाला है लगभग जो सिर्फ ट्रेन का जो टाइम है वो लगभग हम 120 घंटे, अगर ट्रेन लेट नहीं होती है तो इसमें हम लगभग 120 घंटे पूरा कवर करेंगे। और जो सिर्फ ट्रेन का टाइम है, जो हम सिर्फ ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, और लगभग इस पूरे सफ़र में लगभग 10 दिन का ये पूरा सफ़र होने वाला है जिसमें लगभग हम 9 से 10 ट्रेनें, हम डेली एक ट्रेन इसमें कवर करेंगे।
और ये जो सीरीज़ है ये आपको बैक टू बैक मिलेगी और बिना किसी डिले के। लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं, इसमें लगभग हम 3 डबल डेकर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इस सीरीज़ को लेके जो आज मैं शुरू कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लगभग 6,500 किलोमीटर कवर करेंगे सिर्फ ट्रेन के अंदर, जिसमें 120 घंटे लगने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को लेके, क्योंकि इसमें हम बैक टू बैक ट्रैवल करेंगे। वीडियो हो सकता है शायद 1-2 दिन लेट हो जाए, मे बी पॉसिबल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को भी जो आपके लिए बैक टू बैक डेली मैं लेके आऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा। कई बार क्या होता है, एडिटिंग में दिक्कत होती है और सफ़र के दौरान एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगेज भी है और आपके लिए शूट भी करना होता है सारी ट्रेन को, एक भी चीज़ छूटे ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं ट्रैवल करूँ तो आपको घर बैठे ये लगे कि आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं वर्चुअली, इसलिए मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं बैक टू बैक आपको जो है अपडेट्स देता रहूँ, लेकिन उसमें हो सकता है शायद कुछ डिले हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी बैक टू बैक आपको अपने साथ लेके चलने की। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और तो आप कितने एक्साइटेड हैं वो भी आप मुझे बताइए इस सीरीज़ को लेके, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल जो है इस ट्रेन का भी टाइम हो गया है यहाँ से डिपार्चर का, 2:05 का इसका टाइम है डिपार्चर का। और फिलहाल अभी हमें लोअर डेक में इस ट्रेन के, मैं आपको दिखाऊँ कुछ लोअर डेक का जो नज़ारा है वो ऐसा दिखता है, जिसमें 3x2 की सीटिंग है। और ये मिडल वाली जो है इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेबल मिल जाता है, आप यहाँ पर इजीली बैठ के अपना लंच कर सकते हैं या स्नैक्स खा सकते हैं या अपना लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। मैं जनरली बहुत प्रेफर करता हूँ ये मिडल सीट, क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप के साथ आप इजीली, मेरी एडिटिंग तो कम्फर्टेबली हो जाती है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना है तो एडिटिंग और साथ में आपको अपडेट्स भी देनी है, तो इसलिए मुझे तो ये टेबल बहुत मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर मुझे टेबल मिल जाती है तो सच में, लेकिन आज तो मिलनी है क्योंकि ट्रेन लगभग 50% से ज़्यादा खाली है, क्योंकि इसकी जो सीटिंग थी मैंने बताया करंट अवेलेबिलिटी जो थी इसकी लगभग 700 से 800 सीट्स करंट में इसकी अभी खाली हैं। और यहाँ पर जो लगेज के लिए जो दिया गया है वो स्पेस थोड़ा कम है ये लोअर डेक में, हालांकि अपर डेक में जो है स्पेस हल्का सा ज़्यादा होता है इससे, कि आप इजीली इसमें अपना लगेज जो है रख सकें, अपना कैरी कर सकें। लेकिन और हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो मेरे जैसे अच्छे खासे लंबे व्यक्ति के लिए ये हेडरूम बिल्कुल, मतलब इतना ही फ़र्क होगा जिसमें कि मेरा ऊपर सर ना लगे, सिर्फ इतना फ़र्क है। और अगर अपर डेक की अगर इसमें मैं बात करूँ तो अपर डेक में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, लोअर डेक में थोड़ा कम होता है स्पेस, लेकिन फिर भी कम्फर्टेबली आप, मतलब इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, मतलब बहुत रेयर केस में, मेरी हाइट जो है लगभग 5'11" के आसपास है, तो मुझे लगता नहीं कि शायद इससे ऊपर भी कुछ होगा। थोड़ी सी ट्रेन की और ट्रेन के रूट की अगर बात करें तो ये ट्रेन आनंद विहार से डिपार्ट होती है 2:05 पर, और जो इसका लखनऊ में अराइवल है वो रात को 10:30 है। हफ्ते में 4 दिन चलती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को छोड़ के। और ये ट्रेन आनंद विहार से निकल के गाज़ियाबाद, इसका नेक्स्ट हॉल्ट स्टेशन जो है, उसके बाद मुरादाबाद, बरेली होते हुए सीधा लखनऊ पहुंचती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 700 रुपये में आराम से आप लखनऊ इजीली ट्रेन से जा सकते हैं, बेस्ट ट्रेन है। लेकिन लेट लतीफ़ी की इसकी चर्चे बहुत सुने हैं, तो आज देखते हैं कि ये ट्रेन लेट पहुंचती है या ऑन टाइम रहती है। और ट्रेन की अगर साफ़ सफ़ाई की बात करें तो साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी मेंटेन की गई है इस ट्रेन के अंदर, साफ़ सफ़ाई को लेकर आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। बाहर भी जो है साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी है गेट के पास। और टॉयलेट्स की अगर इसमें बात करें तो ये टैंकर जो है फुल हो गया, ऊपर का टैंक जो है इसमें पानी गिर रहा है। तो दूसरे टॉयलेट में अगर बात करें, साफ सफाई की अगर इसमें बात करें तो गंदगी तो खैर इसमें है यार। पानी इसमें आ रहा है। ट्रेन जो है बिल्कुल 2:05 पर शार्प डिपार्ट हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के। ये सामने खड़ी है रामनगर चंडीगढ़ 12527 WAP-4 लोकोमोटिव के साथ।
ये EMU गाज़ियाबाद से नई दिल्ली के बीच। अगर मैं इस ट्रैक की बात बताऊं तो ये जो ट्रैक है ये आनंद विहार बाईपास है, आनंद विहार स्टेशन का बाईपास ट्रैक है जो सीधा टुवर्ड्स नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन की तरफ निकल जाता है, और इधर से ये कट होकर ये सीधा टर्मिनल की तरफ ये ट्रैक इस तरफ आ जाता है, और जिस पर वो ट्रेन आई है वो सीधा नई दिल्ली निज़ामुद्दीन की तरफ निकल जाता है। अपने राइट टाइम 2:05 पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ये ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है, और देखते हैं लेट लतीफ़ी की इसके जो किस्से हैं वो बहुत सुने हैं, और आज देखते हैं कि ये ट्रेन जो है लेट पहुंचती है या पहले से कुछ सुधार है इस ट्रेन के अंदर, कि ये लखनऊ जो स्टेशन है वहाँ पर कितना लेट पहुँचती है या ऑन टाइम इसका वहाँ पर अराइवल होता है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पर 2:33 पर, लगभग 25 मिनट बाद और 13 से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर गाज़ियाबाद जंक्शन पर। अभी हम बात करें गाज़ियाबाद को जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सहारनपुर मेरठ होते हुए, एक लाइन मुरादाबाद होते हुए और एक लाइन अलीगढ़ होते हुए गाज़ियाबाद जंक्शन पर आके मिलती है, और ये गाज़ियाबाद जंक्शन से सीधा नई दिल्ली निज़ामुद्दीन की तरफ निकल जाती है, इसलिए गाज़ियाबाद को जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट और 2:35 का यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। अपने राइट टाइम 2:35 पर डिपार्ट हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गाज़ियाबाद के डबल डेकर एक्सप्रेस आनंद विहार से लखनऊ की तरफ जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जयनगर से नई दिल्ली, इसका अराइवल होने वाला है अभी गाज़ियाबाद स्टेशन पर। क्या शार्प टर्न है हवाई डबल डेकर एक्सप्रेस का, बहुत बेहतरीन टर्न डीजल लोकोमोटिव के साथ। और ये लाइन जो यहाँ से अलग हो जाती है मेरठ सहारनपुर की तरफ जो अंबाला निकलती है, यह है नज़ारा लोअर डेक के जब ये क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म पर, क्या बेहतरीन नज़ारा है। प्लेटफॉर्म और विंडो जो है बिल्कुल पैरेलल और पूरी स्पीड के साथ क्रॉस करती हुई स्टेशन को।
फुटरेस्ट की अगर इसमें बात करें तो इस ट्रेन में फुटरेस्ट नहीं है, इसमें आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और सामने कुछ खाने पीने के लिए ये ट्रे दी गई है हर सीट पर, जिसमें कि आप अपना कुछ भी यूटिलिटी बोल सकते हैं आप इसको, कुछ भी खा सकते हैं, अपना लैपटॉप रख कर काम कर सकते हैं, और जब काम कंप्लीट हो तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक सिस्टम अच्छा खासा दिया गया है इसमें, और ये बोतल होल्डर, और यहाँ पर अपना कुछ भी सामान रखने के लिए। और ये इस तरफ जो दिया गया है ये हैंडरेस्ट के लिए दिया गया है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको पीछे कर सकते हैं, और हैंडरेस्ट के लिए इसको आप आगे कर सकते हैं। और वहीं ये वाला जो दिया गया है इसमें लॉक है, और इधर जो लॉक दिया गया है, और ये इधर जो लॉक दिया गया है ये इसको पीछे करके ये पीछे की तरफ हो जाती है, और आप इसमें कंफर्टेबली आराम से अपनी बैक को रेस्ट दे सकते हैं, और आराम से अपना सफ़र खूबसूरत नज़ारों के साथ पूरा कर सकते हैं। और ये विंडो के लिए ये कर्टेंस हैं, अगर आप इसको नीचे करना चाहें तो आप नीचे लगा सकते हैं इसको, और अगर इसको ऊपर रखना चाहें तो हम इसको ऊपर भी रख सकते हैं। गर्भ स्टेशन गंगा मय ब्रिज, क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन नज़ारा है। लोहे का ब्रिज क्रॉस करती हुई, गंगा को क्रॉस करती हुई हमारी डबल डेकर ट्रेन, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन पर। और ये जो लाइन है, ये जो आकर मिली है अभी यहाँ पर, ये है अंबाला सहारनपुर लाइन, जो सीधी मुरादाबाद आकर मिलती है। क्या बेहतरीन नज़ारा है दोनों ट्रैक्स का, दोनों लाइन का, पूरा टर्न और कर्व दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइन है। आपको नज़ारा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है नज़ारा, और ख़ासकर जब ट्रेन जब क्रॉस करती है रेलवे लाइंस को एक लाइन से दूसरे लाइन पर, ये नज़ारा बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त। देखिए कहाँ से ट्रैक छोड़कर अपना किस लाइन से आकर किस लाइन पे अब ये ट्रेन आई है। ये साउंड ट्रैक बहुत ज़बरदस्त है ट्रेन का, मुझे बहुत पसंद है ट्रेन का साउंड ट्रैक। आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ट्रेन नंबर 0439 लाल, अभी हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन पर, और यहां पर लगभग हम 25 मिनट बिफोर आए हैं, मतलब 4:25 पर हमारे यहां पर अराइवल हुआ है। और यहाँ से जो उसका डिपार्चर है, यहाँ जो उसका एक्चुअली में जो उसका अराइवल है वो 4:50 पर है, और 8 मिनट के हॉल्ट स्टेशन के बाद ये लगभग 5 यहाँ से डिपार्ट करती है। लेकिन हम लगभग 25 मिनट पहले आए हैं, तो लगभग ये मान के चलो कि हम लगभग आधा घंटा तो आराम से यहाँ पे है, मतलब हमारे पास पूरा टाइम है अपना मुरादाबाद जो स्टेशन है उसको कवर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर देखा ये मुरादाबाद जो फेमस है वो फेमस है पीतल के लिए, स्टेशन पर भी आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे, और बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है पीतल के अंदर जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, और मतलब इतनी ज़बरदस्त है इसीलिए वर्ल्ड वाइड फेमस है मुरादाबाद सिर्फ अपने पीतल के काम के लिए। और बात करें मुरादाबाद को जंक्शन क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ 5 दिशाओं में ट्रेन निकलती है। एक लाइन नई दिल्ली से हम लखनऊ जिस पर हम चल रहे हैं, एक लाइन चंदौसी और काशीपुर, और एक लाइन यहाँ से जो निकल जाती है सहारनपुर होते हुए अम्बाला की तरफ। तो लगभग 5 दिशाओं में यहाँ से ट्रेन निकलती है, और इसीलिए इसे जंक्शन भी कहते हैं। और बात करें खाने की, प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
खासकर यहाँ पर फल फ्रूट केले जो हैं, और अगर ऑयली की बात करें तो समोसे ब्रेड पकौड़े आपको इजीली यहाँ पर सभी स्टॉल्स पर मिल जाएंगे, पेटीज और पैक्ड जो फूड है जैसे बिस्किट नमकीन इजीली आपको यहाँ पर आराम से खाने को मिल जाएगा, जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो खाने पीने की इतनी खास दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि बड़ा स्टेशन है मुरादाबाद जंक्शन, मुरादाबाद की फेमस बिरयानी और यहाँ पर जो बढ़िया तरीके से जो बिक रहे हैं समोसे है ना, ये बहुत फेमस है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हमने पैक करा लिए हैं बिरयानी और समोसे का रिव्यू करते हैं अभी यहाँ से डिपार्चर के बाद, क्योंकि लगभग समय हो चुका है, आधा घंटा लगभग हमें यहाँ पे हो चुका है, लगभग 5 बजे हैं और डिपार्चर के बाद हम रिव्यू करेंगे यहाँ की बिरयानी का। सिग्नल हो गया हमारी ट्रेन का, हाँ लखनऊ जाएंगे, डबल डेकर डबल डेकर। स्टेशन कोड MB 4:58 पर और यहाँ तक लगभग हमें 153 किलोमीटर की दूरी जो है अब तक तय की है, और 4:58 पर मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्चर लेती हुई अपनी ट्रेन। ये हमने लिया बिरयानी और एक समोसा मुरादाबाद जंक्शन से, अभी देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। और इसके साथ मिला है हमें ये थोड़ा सा छोटा सा पैकेट मिक्स्ड पिकल अचार, चलिए देखते हैं इसे क्या टेस्ट है। मतलब वर्थ इट है, इसमें 60 रुपये का हम ये बिरयानी दी है और 10 रुपये का समोसा, लेकिन बिरयानी है जो मतलब ये है कि आप ले सकते हैं, इसमें सोयाबीन मटर इसमें आपको मिलेगी। सोयाबीन जो है इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, इस बिरयानी का वेज बिरयानी है ये, जो देखो भर भर के इसमें सोयाबीन दिया गया है, साथ में कुछ मटर। और वहीं अगर समोसे हम देखें समोसा ठीक ठीक है, लेकिन समोसे के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर कंपेयर करें बिरयानी के साथ तो बिरयानी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू समोसा। वर्थ इट है 60 रुपये में, मतलब अच्छा है। चलिए फिलहाल मैं सो करता हूँ फिनिश, और फिनिश होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारे। रामपुर जंक्शन को स्किप करती हुई हमारी ट्रेन ये वाली जो लाइन है लाल कुआ की तरफ निकल जाती है, जो यहाँ से अलग होती है, जो रामपुर जंक्शन पर आकर मिलती है, और ये सीधी निकल जाती है बरेली की तरफ जिस रूट पर हम चल रहे हैं। ट्रेन जब तक स्लो स्लो चल रही है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर जो इसका पानी का प्रेशर है आदमी इसमें आराम से अपना हाथ धो सकता है, और वहीं अगर मैं अपने कोच की बात करूँ तो इसका प्रेशर देखो भाई साहब, देखो प्रेशर देखो इसका, मतलब कौन इसमें हाथ धो पाएगा, प्रेशर देखो इसका, ये देखो मतलब इसमें हाथ धोना तो बहुत मुश्किल है भाई, जब पानी का इतना तेज़ प्रेशर। ये शहजाद नगर को हम स्किप करते हुए
छोटा सा स्टेशन शहजाद नगर। मैं आपको बता रहा था कि पानी का तेज़ प्रेशर था, एक बार तो मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए जब मैंने उसको चलाया। ये शहजाद नगर का टिकट हॉल्ट स्टेशन और प्रतीक्षालय शहजाद नगर। शहजाद नगर को स्किप करती हुई हमारी ट्रेन बहुत ही आराम से मेन लाइन पर है, सिग्नल भी है, लेकिन स्पीड जो है इसकी ऐसी ही है कि बस क्या ही बताएं। मुरादाबाद से निकलने के बाद ये हार्डली, मतलब मैं बताऊं शायद 45 मिनट हुए हैं यहाँ से मुरादाबाद से निकले हुए, लेकिन उस 45 मिनट में ये आधा घंटा लेट हो चुकी है। शाम का समय हो चुका है और ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ के और खेत में से ना यहाँ के भाई साहब कितनी ज़बरदस्त खुशबू है कि मतलब मैं आपको उसको वर्ड्स में नहीं बता सकता, इतनी बेहतरीन खुशबू ग्रीनरी की इसका कोई जवाब नहीं है। और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का ज़बरदस्त मौसम के साथ, मज़ा आ गया। हाँ इतनी बढ़िया हवा लग रही है ना, मतलब स्पीड ऐसी लगभग 40 के अराउंड और जो हवा लग रही है ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। मतलब अलग ही खुशबू है हवा के अंदर, इन खेतों की अलग ही खुशबू है। ये स्पीड है इसकी मुरादाबाद के बाद 40-50, ये आप खुद देख सकते हैं कितनी स्पीड है। इसलिए ये थोड़ी मशहूर है लेट लतीफ़ी के लिए, क्योंकि मुरादाबाद के बाद तो बस का यही हाल है। लेकिन फिर भी देखते हैं किसका टाइम क्या रहता है लखनऊ जंक्शन पर अराइवल का। बाबा ने रिस्पॉन्ड किया है। धमोरा स्टेशन और यहाँ पर शायद आगे सिग्नल नहीं है और मुझे लगता है यहाँ पे हॉल्ट हो गई है ट्रेन, लेकिन मेन लाइन पर है, लूप लाइन पर नहीं रखा गया है, मेन लाइन पर रोकी गई है ट्रेन धमोरा स्टेशन पर। 5 मिनट के बाद धमोरा स्टेशन से डिपार्ट करती हुई ट्रेन, लेकिन यहाँ पे रोका क्यों था वो नहीं आया समझ में, क्योंकि मेन लाइन पर इसको सिग्नल नहीं था, प्लस ना कोई क्रॉसिंग ना कुछ, सिर्फ रोक के 2-3 मिनट बाद इसको दोबारा सिग्नल दिया गया है। ये हाल है ट्रेन का, पूरी खाली। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन पर, जहां पर इसका टाइम था 6:15 का और हम अराइवल हो रहे हैं 6:50 पर, लगभग 1.5 घंटा लेट बरेली जंक्शन पर अराइवल करती हुई हमारी आनंद विहार लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस। स्टेशन कोड BE बरेली जंक्शन, यहाँ पर हम पहुँचे हैं लगभग 45 मिनट की देरी से। आप ये देखिए इस लेट लतीफ़ी ट्रेन, इसका नाम डबल डेकर नहीं लेट लतीफ़ी ट्रेन होना चाहिए, इसका जो दूसरा हॉल्ट स्टेशन था मुरादाबाद जंक्शन, वहाँ पर ये लगभग 25 से 30 मिनट पहले बिफोर पहुँची थी ये, और इससे अगला जो स्टेशन है बरेली जंक्शन वो यहाँ पर 45 मिनट की देरी से पहुँची है। आप ये देखिए कि इसने इस 100 किलोमीटर की दूरी में कितनी स्पीड से सफ़र किया होगा, मतलब हमने जो सफ़र किया होगा कितनी स्पीड से किया होगा, 100 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें हमने लगभग 45 मिनट हम लेट हो चुके हैं। बरेली का स्टेशन कोड BE और यहाँ तक हमने 240 किलोमीटर की दूरी अब तक तय की है। इससे नेक्स्ट हॉल्ट स्टेशन जो होगा हमारा लखनऊ होगा, इसके बाद इसके बीच में बरेली से लखनऊ के बीच में कोई भी हॉल्ट स्टेशन नहीं है।
बात करें स्टेशन की, बरेली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन काट गोदाम और कासगंज होते हुए मथुरा की तरफ निकल जाती है और एक लाइन जिस पर हम चल रहे हैं दिल्ली से लखनऊ के बीच। स्टेशन पर आपको वेटिंग हॉल में फूड कोर्ट भी मिल जाएगा और स्टॉल्स अच्छे खासे हैं स्टेशन पर, जहाँ पर आपको खाने पीने की तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अपने 2 मिनट के हॉल्ट स्टेशन के बाद ये ट्रेन 6:57 पर लगभग 45 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म पर 1 बरेली जंक्शन के डिपार्ट होती हुई। बरेली स्टेशन निकलने के बाद अभी मैं दिखाता हूँ कि अपर डेक और लोअर डेक में हमारे कोच में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपर डेक में। ये जो है ये अपर डेक है जिसमें टोटल शायद 10 से 15 आदमी, और ये जो है लोअर डेक जिसमें केवल 2 व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं और दूसरे साथ मतलब मैं तीसरा। ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो मुश्किल से 15% इस पूरी ट्रेन के अंदर यात्री सफ़र कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि इसमें ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है। ट्रेन सीट भी आपको मिल जाती है, जब हमने सफ़र शुरू किया था तो उसमें करंट में लगभग 800 के अराउंड इसमें सीट्स अवेलेबल थी और हमारे कोच में तो बिल्कुल ही खाली था। ट्रेन जो है लगभग आधा घंटा लेट है और अब ये सफ़र कर रही है बरेली से लखनऊ के बीच में। अब अगर हम बात करें अपनी सीरीज़ को लेके, तो ये सफ़र जो है नई दिल्ली का आनंद विहार से लखनऊ तक का जो सफ़र होगा ये एपिसोड 1 होगा। और इस पूरी सीरीज़ का जो हम लगभग 6,500 किलोमीटर जो हम कवर करेंगे, इसमें हर ट्रेन का सफ़र आपको हर एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे तो सीरीज़ के एपिसोड पर आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा जो भी आपको अच्छी लगे। सीरीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ। आज हमने जो सीरीज़ शुरू की है ये लगभग 6,500 किलोमीटर की सीरीज़ है जो आज हमने शुरू की है आनंद विहार से। इसके बाद हम सफ़र करेंगे लखनऊ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नई दिल्ली, और उसके बाद फिर निज़ामुद्दीन से नागपुर, नागपुर से चेन्नई, चेन्नई से हम जाएंगे बेंगलुरु, बेंगलुरु से नांदेड़, नांदेड़ से हम जाएंगे मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जोधपुर। हमारी जो सीरीज़ नई दिल्ली के आनंद विहार से शुरू होगी वो जोधपुर में 6,500 किलोमीटर पूरा करके ख़त्म होगी। स्टेशन कोड LJN लखनऊ जंक्शन, नवाबों के शहर लखनऊ जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, अभी हम उतरे हैं लखनऊ जंक्शन पर। ओवरऑल अगर मैं इसकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आलमनगर तक ये बिल्कुल राइट टाइम आई है, और आलमनगर के बाद यहाँ तक ये लगभग 6 किलोमीटर ये आधा घंटा यानी 28 मिनट की देरी से पहुँची है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर ये आलमनगर रुकती है और आपको लगता है लेट है तो वहीं पर इस ट्रेन को डिबोर्ड कर दें। मुझे भी इस ट्रेन को वहीं तक डिबोर्ड कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 6 किलोमीटर के लिए ये तकरीबन आधा घंटा लेट हो जाएगी। मतलब 5 या 10 की स्पीड से, मैक्सिमम 5 की स्पीड से ये रेंगते हुए आई है 6 किलोमीटर।
तो वहाँ इन्होंने इसने थोड़ा सा लेट किया, अदरवाइज ट्रेन बिल्कुल अपने राइट टाइम पर रही है लास्ट स्टेशन तक। ओवरऑल जर्नी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में अपने सीरीज़ के, जो कि है हमारा लखनऊ से चंडीगढ़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।